सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज हम राउंड शेप गले में किस तरीके से पोटली बटन अटैच करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ पोटली बटन बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमें पोटली बटन बनाना सीखना होता है और उसके बाद हम किस तरीके से राउंड शेप में अटैच करते हैं ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कॉटन लेनी है और जिस कलर के आपने पोटली बटन बनाने होते हैं वो लेना है कपड़ा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा इसमें से रुई कॉटन का एक पीस ले लेंगे। जितनी मोटाई से आपने बनाने होते हैं इसको हम हल्का सा राउंड शेप दे लेते हैं, ऐसे राउंड शेप दे लेंगे। जब ये राउंड शेप में आ जाएगा फिर हम यहाँ पे कपड़े के किसी भी भाग में इस तरीके से रखेंगे और पलटते हुए बाहर की साइड सीधी साइड ऐसे निकाल लेंगे। अब जब ये गोलाई आ जाएगी तो गोलाई के बाद अब हम रील का एक धागा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको लपेटेंगे। इस तरीके से गोलाई में लपेटेंगे, दो से तीन बार या चार बार लपेटने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से दूसरी साइड का जो धागा होता है उसकी ऐसे गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे दो से तीन गांठ लगाते हुए ऐसे, अब ये पोटली बटन हमारा बन गया है। अब हम हल्का गैप रखते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पोटली बटन तैयार किए हुए हैं। बहुत आसान सा तरीका है और सेम एक ही साइज के हमने इस तरीके से तैयार किए हुए हैं। अब बात आ जाती है राउंड शेप में कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लेना होगा कोई भी चार्ट ले लें, गत्ता ले लें इस तरीके से, और यहाँ पे जितना डीप ब्रॉड रखना होता है गला हमें उस हिसाब से निशान लगाने हैं। जैसे हमें 6 इंच रखना है तो 3 इंच पे मार्क करना है और डीप लेंथ रखना है यहाँ पे 7 इंच तो हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इन निशानों को सबसे पहले चौरस कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर गला होता है उस हिसाब से। अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। इसी शेप में हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये दोस्तों हमने पैटर्न कटिंग कर लिया है गोल गले का। अब हमें क्या करना होगा, एक कपड़ा लेना है और एक पेपर पेस्टिंग का पेपर जो फ्यूज होती है वो इसी साइज का एक पीस लेना है। सबसे पहले हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। पेपर पेस्टिंग दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर ली है। अब जो सीधी साइड होती है यहाँ पे हम इस तरीके से पैटर्न रखेंगे जो हमने कटिंग किया है और यहाँ पे निशान लगा लेंगे पेन से। आप निशान चौक से भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब हम यहाँ पे इसकी बाहर की साइड तकरीबन 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं और कटिंग कर ली है। तो आइए सीखते हैं बहुत ही सुंदर सा तरीका पोटली बटन लगाने का। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पोटली बटन अटैच करते हैं जो हमने सीधी साइड यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। यहाँ पे हम निशान और लगाएंगे दोबारा से, पहला निशान लगाएंगे 0.5 इंच पे, उसके बाद हम 1-1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे क्योंकि पोटली बटन का जो गैप होना चाहिए हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर फर्क आता है तो गैप कम ज़्यादा लगता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। एक एक इंच का गैप रखते हुए दोस्तों हमने पूरे गले की जो शेप बनाई थी, निशान लगाए थे, उसमें निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक साइड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं पोटली बटन लगाने की। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे हमें फुट भी चेंज करना होता है। जैसे हम ये डबल फुट होता है जिसको कई जगह पैर भी बोलते हैं, कई जगह फुट भी बोलते हैं, इस तरीके का होता है, और सिंगल इस तरीके का होता है। सिंगल से क्या होता है, हम जब साइड में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपर इसकी बिल्कुल बराबर में सिलाई आएगी, और डबल से क्या होगा, जब हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे तो एक ऊपर आएगा एक नीचे, तो ये आगे पीछे फिसल जाता है। तो आपने यहाँ पे सिंगल फुट ही यूज करना होता है।
तो यहाँ पे हमने सिंगल फुट अटैच किया हुआ है, लगा लिया है मशीन में। तो एक साइड से यहाँ पे निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए चलते हैं इस तरीके से, और दोनों साइड से इसको बिल्कुल आसान से ऐसे दबा लेते हैं। पोटली बटन जो है इसीलिए हमने थोड़ा बड़े बनाए हुए, मतलब आगे तक का कपड़ा रखा हुआ है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे इसी तरीके से पोटली बटन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। निशान का ध्यान रखना है, जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये पोटली बटन सभी अपने अटैच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक सिलाई और लगानी होगी। एक सिलाई लगाएंगे हम इस साइड में यहाँ पे बराबर बराबर में। वो सिलाई क्यों लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाते, इनको नहीं दबाते इस कपड़े को, तो ये जब हम इसको ये वाली सिलाई पलटने के लिए लगाते हैं, गला तैयार करने के लिए लगाते हैं, तो ये कपड़ा इस साइड में कई बार फंस जाता है। तो आपने यहाँ पे इसको फिक्स करते हुए एक एक सिलाई और लगा लेंगे। ये सभी जगह से हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। डबल सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको हम हल्का हल्का कम कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा मोटा कपड़ा होता है तो अच्छे से सेटिंग नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे पोटली बटन सभी अटैच कर लिए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी साइड फ्रंट रखेंगे ऐसे, और इसको इस तरीके से रखते हुए दोबारा से हमें उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जिस सिलाई से हमने पोटली बटन अटैच किए हैं। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। तरीके से हमने सिलाई अपनी लगा ली है।
अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे भी हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। अब हम कपड़े को अंदर की साइड पलट लेते हैं ऐसे, तो सीधी साइड में हमारे यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोटली बटन आ जाएंगे ऐसे। तो दोस्तों गला पलटने के बाद सीधी साइड हमारी यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगी और जो रॉन्ग साइड आएगी वो आएगी इस तरीके से नजर। इस पट्टी में तो यहाँ पे जो ये पट्टी होती है इसमें तुरपाई हो जाती है, बड़े ही आसानी से यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी और ऐसे हमारे पोटली बटन फिनिशिंग के साथ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये आइडिया दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारे से हमने यहाँ पे ये पोटली बटन अपने कंप्लीट किए हैं। और राउंड गले में आप इस तरीके से किसी भी गले में पोटली बटन लगा सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।